हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद इजोन। आज हम बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका जो चौथा चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट, उस पर बात करेंगे। क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम कुछ 4 या 5 टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद जो बाकी बचे हुए टॉपिक रहेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम किसको कहेंगे ह्यूमन सेटलमेंट, मानव अधिवास या मानव बस्तियां, हम किसको कहेंगे। तो इसका मतलब देखिए बहुत ही साधारण है। मानव अपने रहने के लिए कहीं भी प्लेन में या माउंटेन पे या डेजर्ट में, जंगल में, कहीं भी कुछ न कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार करता है रहने के लिए। वो एक झोपड़ी तैयार कर सकता है, एक मकान बना सकता है मिट्टी का, सीमेंट का मकान बना सकता है, ऊंची बिल्डिंगें बना सकता है। तो कुछ न कुछ एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। और जब ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं और लोग वहां पे रहते हैं, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। दैट मीन्स व्हाट? ह्यूमन सेटलमेंट्स आर नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स। इन अदर वर्ड, ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स अ ग्रुप ऑफ हाउसेस विच आर यूज फॉर द लिविंग। ह्यूमन बींग्स मेक सम स्ट्रक्चर्स, सम हाउसेस। इट मे बी हट, इट मे बी ए स्मॉल हाउस, इट मे बी ए बिल्डिंग, इट मे बी अ बंगलो, इट मे बी अ स्काई स्क्रैपर, वट एवर। सो ह्यूमन बींग्स मेक इट फॉर लिविंग एंड दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन सेटलमेंट। तो आप, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि मानव अपने रहने के लिए हो सकता है एक छोटी सी झोपड़ी बनाए जो मिट्टी का, घास फूस का बना हो, हो सकता है कि कोई एक मकान बनाए 2-3 कमरों वाला, ईंट का। ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा महल बनाए, किला बनाए या बंगलो बनाए या आसमान से बातें करते हुए ऊंची ऊंची इमारतें बनाए। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम कहते हैं मानव अधिवास या मानव बस्ती। तो क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग यानी एक हाउस नहीं, वहां जो भी ग्रुप ऑफ हाउसेस हैं उनको हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट छोटा से छोटा हो सकता है, यानी कि 4, 5, 8 घर भी हो सकते हैं, और बड़ा से बड़ा यानी जहां पे हजारों या लाखों मकान हो सकते हैं। तो छोटा से छोटा भी ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। आप ये एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर आप देखिए, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी एक ह्यूमन सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं जहां पर आप लाखों मकान देख रहे हैं, ये भी ह्यूमन सेटलमेंट का ही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है किसी नदी के किनारे बने, किसी माउंटेन स्लोप पर बने, जंगल के बीच में बने या डेजर्ट के बीच में बने। ये डिपेंड करता है कि वो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में मानव कहां पे बसना चाहता है, उसके लिए सुटेबल प्लेस कौन सा है और वहां पे वो घर मकान बनाता है और रहना चाहता है। तो ह्यूमन सेटलमेंट आपको हर जगह मिल सकते हैं, वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। समुद्र किनारे भी मिल सकते हैं, नदी के किनारे मिल सकते हैं, झील के किनारे मिल सकते हैं, मैदानी भाग में मिल सकते हैं जहां पे एकदम जमीन समतल है, पहाड़ के ढलान पे मिल सकते हैं, जंगलों के बीच में मिल सकते हैं, रेगिस्तान में मिल सकते हैं, और कई बार तो पहाड़ के ऊपर एकदम से टॉप पे भी आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिल सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट छोटा से छोटा हो सकता है, जिसमें 1 फ्लोर या 2 फ्लोर के मकान भी हो सकते हैं, और ह्यूमन सेटलमेंट बहुत बड़ा भी हो सकता है। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, ऐसे बड़े बड़े शहर भी ह्यूमन सेटलमेंट के ही एग्जाम्पल है, जहां आसमान से बातें करते 80 या 90 या 100 फ्लोरी बिल्डिंग भी होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी होते हैं, लाखों घर मकान होते हैं, करोड़ों लोग वहां पर रहते हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। ब्रीफ में कहा जाए, एक लाइन का डेफिनेशन, तो हम कह सकते हैं दैट क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर लिविंग इज कॉल्ड एज ह्यूमन सेटलमेंट। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जनरली ह्यूमन सेटलमेंट को हम 2 भागों में बांटते हैं, उसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाता है रूरल सेटलमेंट और दूसरा कहलाता है अर्बन सेटलमेंट, या यू कहें एक को कहते हैं हम विलेज और एक को कहते हैं टाउन। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो एक को हम कहेंगे ग्रामीण और दूसरे को कहेंगे हम नगरीय या शहरी। सो ह्यूमन सेटलमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज रूरल सेटलमेंट एंड अदर इज कॉल्ड एज अर्बन सेटलमेंट, विलेज एंड टाउन। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई दैट
विच सेटलमेंट विल बी कॉल्ड एज रूरल सेटलमेंट एंड विच सेटलमेंट विल बी कॉल्ड एज अर्बन सेटलमेंट। दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि हम कैसे पहचान करें, हम कैसे ये बताएं कि ये जो बस्ती है, ये जो जगह है, इसको हम रूरल के अंदर रखेंगे या अर्बन के अंदर रखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। रूरल सेटलमेंट के पहचान के कुछ क्राइटेरियाज हैं, हम कैसे पहचानते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे, खासतौर पर आप भारत में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो इंडिया में जब आप देखेंगे तो रूरल सेटलमेंट के कुछ खास पहचान क्या पहचान है। पहला पहचान तो यह है कि जो रूरल सेटलमेंट होता है वह छोटा होता है, उसमें घरों की संख्या, मकानों की संख्या 20, 30, 50, 100 या 200 के आसपास हो सकते हैं साधारणतः आमतौर पर। लोगों की संख्या जो पॉपुलेशन होगी रूरल सेटलमेंट की वो भी कम होता है, वहां पर 100, 200, 400, 500 बहुत से बहुत हजार लोग के आसपास गांव में रहते होंगे। तो आप दोनों चीज देख रहे हैं कि रूरल सेटलमेंट में एक तो मकानों की संख्या कम होती है, दूसरा जो आबादी होती है वो भी कम होती है। तीसरी बात कि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वो लोकल अवेलेबल मटेरियल के बनाए जाते हैं, जो वहां के जरूरत कंडीशन में चीजें अवेलेबल है। कहीं पे लकड़ी अवेलेबल है तो वहां लकड़ी के आपको मकान मिलेंगे, कहीं पे बैम्बू बांस बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे आपको बैम्बू से बने हुए मकान मिलेंगे। कुछ भागों में जहां मिट्टी अवेलेबल है वहां मिट्टी के मकान भी बनते हैं, और जो छत होता है वो भी मिट्टी के खपड़ेल या हम टाली भी कहते हैं, टाइल्स अंग्रेजी में बोले तो, उसके मकान बनाए जाते हैं। राजस्थान एरिया में पत्थर काफी अवेलेबल होते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि अब मकान जो है वहां वो ईंट के न बनके पत्थर के मकान बनाए जाते हैं। तो जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसका ही मकान बनाए जाते हैं, खासतौर पे कहां रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया। ग्रामीण एरिया में एक और खास बात क्या होती है कि वहां पे आपके जाति और धर्म का भी मकानों के ऊपर काफी प्रभाव होता है। घर का बनावट, दरवाजे का बनावट, घर का डिजाइन, मकान का हाइट, दो मकान के बीच की दूरी, गांव का आकार, गांव के किस दिशा में मकान बनेगा, किस दिशा में मकान नहीं बनेगा, इन सब बातों पर वहां के रिलीजन और वहां के सोशल कस्टम ट्रेडिशंस का भी काफी असर पाया जाता है। और एक खास बात, जो रूरल सेटलमेंट होते हैं वहां के मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े होते हैं, या तो वो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं या वो फिर जानवर पालते हैं। तो ये बहुत ही खास ध्यान देने वाली है कि जो रूरल सेटलमेंट में रहने वाले लोग होते हैं वो नॉर्मली प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री में इंगेज होते हैं। रूरल सेटलमेंट में खासतौर पर इंडिया में आप देखेंगे कि वहां फैसिलिटी का अभाव होता है, वहां सड़क का अभाव हो सकता है, सड़क कच्ची हो सकती है, पक्की सड़क का अभाव होता है, बिजली नहीं हो सकती। आजकल तो हालांकि सरकार बिजली देने पे काफी जोर दे रही है, तो बहुत सारे गांव में बिजली पहुंच चुकी है, बट आमतौर पे जो हमारी धारणा है ग्रामीण क्षेत्रों की, वहां पर बिजली हम देखते हैं कि बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल कॉलेज का अभाव हो सकता है, प्राइमरी स्कूल हो सकता है बट हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं मिलेंगे आपको, बड़े बड़े बाजार आपको नहीं मिलेंगे, होलसेल मार्केट नहीं मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स नहीं मिलेंगे, एयरपोर्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, टैप वाटर सप्लाई दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रूरल सेटलमेंट में फैसिलिटीज का अभाव होता है, वहां पर वीकली या बाई वीकली मार्केट तो मिल सकता है, लेकिन ऐसे होलसेल मार्केट या बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसे कि बिग बाजार हो गया और भी कई तरह के जो आजकल मॉल कल्चर चल रहा है, ये सब आपको रूरल एरिया में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा सेटलमेंट को हम रूरल कहेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम बात कर लेते हैं कि अर्बन सेटलमेंट किसको कहेंगे। तो अर्बन सेटलमेंट ठीक इसके विपरीत हो गया। अर्बन सेटलमेंट का साइज बड़ा होता है, मकानों की संख्या यहां बहुत ज्यादा होती है, यहां मकान कई हजार से लेकर कई लाख तक हो सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ऐसे बड़े शहरों में कितने मकान होंगे, तो मकानों की संख्या काफी ज्यादा होती है, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होता है। इन द सिटी लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर, सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो हाई, आबादी भी काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अर्बन सेटलमेंट जो होते हैं वो नॉर्मली ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील और कॉन्क्रीट के बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर सोशल ट्रेडिशन का इफेक्ट थोड़ा कम होता है। अर्बन एरियाज में भी हमें इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, बट वो दिखाई पड़ता है इकोनॉमिक स्टेटस का, अलग अलग लोगों की अलग अलग इनकम होती है, तो उसी के हिसाब से वो सेटलमेंट पे भी इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा।
अर्बन सेटलमेंट में सेग्रीगेशन हो सकता है, बंटवारा हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, कुछ एरियाज इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, कुछ एरिया रेजिडेंशियल होते हैं जहां पे रहने का मकान बनाया जाता है, कुछ कॉमर्शियल एरिया हो सकते हैं जहां पे बाजार शॉपिंग मॉल आदि बनाए जाते हैं, कुछ एरिया डेडिकेटेड रहते हैं पार्क्स और गार्डन्स के लिए। तो इस तरह से अर्बन एरिया में भी क्या हो सकते हैं, सेग्रीगेशन हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, पार्क्स हो सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ज्यादातर लोग हैं, वो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में लगे होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में नहीं लगे होते। आप यूं कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग वहां पर या तो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, ऐसे कामों में लगे होते हैं, वो एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटरी में नहीं लगे होते। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है। साथ ही साथ अर्बन एरियाज में फैसिलिटी भी पाए जाते हैं, वहां पे आपके पक्के रोड मिलेंगे, बिजली मिलेगा, टैप वाटर सप्लाई मिल सकता है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर्स, बड़े बड़े अस्पताल हो सकते हैं, बड़े शहरों में बड़ी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जो शहर होते हैं, जो टाउन होते हैं, वहां पर फैसिलिटी कंपेयर टू रूरल एरिया, कंपेयर टू विलेज एरिया थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप रूरल एरिया और अर्बन एरिया की पहचान कर सकते हैं, उनके फीचर्स आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सेंसस ऑफ इंडिया का क्या डेफिनेशन है। ये तो जो आपको मैंने बताया रूरल और अर्बन का, ये तो एक लेमैन का डेफिनेशन है, एक लेमैन के लिए मीनिंग है कि भाई गांव ऐसे होते हैं, शहर ऐसे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक खास डेफिनेशन बनाया है, वो जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम में आपको कई बार आता भी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन प्लेस अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया। तब वहां पे आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि हाँ कि शहरों में पक्के मकान होते हैं, शहरों में बिजली होती है, ये बात आप नहीं लिखेंगे। वहां पर जो डेफिनेशन है सेंसस ऑफ इंडिया का, एग्जैक्टली आपको वही लिखना है। तो ये तीन चार पॉइंट जो मैं आपको बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्बन प्लेस अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया 2001 सेज दैट अ प्लेस विल बी कॉल्ड एज अर्बन प्लेस इफ, प्लीज रिमेंबर, इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 5,000। सो नंबर वन कंडीशन इज व्हाट, दैट पॉपुलेशन शुड बी मोर देन 5,000। सो फर्स्ट क्राइटेरिया इज पॉपुलेशन शुड बी मोर देन 5,000। इफ पॉपुलेशन इज लेस देन 5,000 देन दैट प्लेस इज नॉट एन अर्बन प्लेस। अगर वहां आबादी 5,000 से कम है तो वह अर्बन प्लेस नहीं है। पहला कंडीशन यह है कि वहां आबादी 5,000 या उससे अधिक होनी चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी मोर देन 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्ति या उससे अधिक होनी चाहिए। तो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया पॉपुलेशन शुड बी मोर देन 5,000 एंड सेकंड क्राइटेरिया डेंसिटी शुड बी मोर देन 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नाउ द थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया इज सेइंग दैट 75% मेल पॉपुलेशन, प्लीज रिमेंबर मेल पॉपुलेशन, नॉट द ओवरऑल पॉपुलेशन, 75% मेल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया must not be engaged in agriculture, must not be engaged in agriculture। यानी 75% जो वहां की मेल आबादी है, जो पुरुष आबादी है, वो खेती बारी में नहीं लगे होने चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे होने चाहिए, सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी में लगे होने चाहिए। अगर किसी भी सेटलमेंट के ज्यादातर लोग खेती बारी में लगे हैं तो वो ग्रामीण एरिया को बताता है, वो ग्रामीण क्षेत्र को बताता है, वो रूरल एरिया को बताता है। तो तीन क्या हुए क्राइटेरिया, आप ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन शुड बी मोर देन 5,000, डेंसिटी शुड बी मोर देन 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड थर्ड क्राइटेरिया 75% मेल पॉपुलेशन शुड नॉट बी इंगेज इन एग्रीकल्चर। ये तीन बात। लेकिन यहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है। एक टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी प्लेस में कोई म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या कोई मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री कैंटोनमेंट है, तो उसको अर्बन प्लेस ही माना जाता है, चाहे वहां पर कुछ भी पॉपुलेशन रहे, चाहे वहां पर कुछ भी पॉपुलेशन का डेंसिटी रहे। बात समझ में आ रही है? बात यह है कि चलो एक एरिया ले लेते हैं जिसकी पॉपुलेशन है 4,000। अब नियम के हिसाब से तो यह अर्बन प्लेस नहीं है, लेकिन वो जो 4,000 वाला पॉपुलेशन वाला जो क्षेत्र है, जो जगह है, वो मिलिट्री कैंटोनमेंट है, वहां पर मिलिट्री का बेस है, वहां पे आर्मी के क्वार्टर से वहां ट्रेनिंग वगैरह होती है।
तो वो अर्बन प्लेस ही कहलाएगा। तो याद रखना है ये तीन क्राइटेरिया जो है वो तो है ही, लेकिन चौथा जो है वो अलग से एक्सेप्शन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन में वो ये कि किसी भी अगर प्लेस में वहां पर सरकार ने कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपालिटी बनाई है तो वो अर्बन प्लेस ही कहलाएगा, चाहे आबादी कुछ भी रहे चाहे डेंसिटी कुछ भी रहे। और दूसरी बात, अगर कहीं पे मिलिट्री बेस है, कोई मिलिट्री कैंटोनमेंट है, तो वो भी अर्बन प्लेस ही कहलाएगा, चाहे पॉपुलेशन कुछ भी रहे, कितना भी साइज रहे पॉपुलेशन का, या डेंसिटी कुछ भी रहे। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। विच प्लेस वुड बी कॉल्ड एज अर्बन प्लेस, पॉपुलेशन मोर देन 5000, डेंसिटी मोर देन 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड 75% पीपल शुड बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दे शुड नॉट बी डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दैट्स इट। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन सेटलमेंट। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट पे अपना प्रभाव डालते हैं। विच आर द थिंग्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये समझने से पहले चलिए हम कुछ पिक्चर देखते हैं, हम कुछ फोटोग्राफ देखते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ह्यूमन सेटलमेंट के एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने कई सारे फोटोग्राफ देखे, कई सारे पिक्चर देखे, आपने देखा कि कुछ जो गांव हैं वो एक नदी के किनारे बसे हुए, कुछ गांव हैं जो पहाड़ के ढलान पे बसे हुए, कुछ डेजर्ट्स के अंदर है। आपने ये भी देखा कि कुछ गांव में यानी कुछ सेटलमेंट में केवल गिनती के ही मकान थे, चार या पांच, और कहीं पर हजारों मकान थे। आपने ये भी देखा कि कुछ मकान मिट्टी और घास फूस के बने थे, जबकि कुछ मकान सीमेंट ब्रिक्स और कॉन्क्रीट के बने हुए। तो ये जो हमारे अलग अलग तरह के जो हमारे सेटलमेंट है, ये आखिर क्यों बनते हैं? क्या सभी जगह हर गांव में हर स्टेट में या हर देश में एक तरह के सेटलमेंट पाए जाते हैं? आंसर होगा नहीं। इफ यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इफ यू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, देन यू विल फाइंड दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। सो द टाइप ऑफ सेटलमेंट इन नागालैंड विल डिफर फ्रॉम द टाइप ऑफ सेटलमेंट ऑफ राजस्थान। The type of settlement of Tamil Nadu will differ from the type of settlement of Kashmir. वो मकान जो पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं और वो मकान जो मैदानी भागों में पाए जाते हैं, वो दोनों एक जैसे नहीं होते। वो मकान जो रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं और वो मकान जो समुद्र के किनारे पाए जाएंगे, वो गांव वो सेटलमेंट, वो भी एक जैसे नहीं होंगे। तो बात मिलाकर ये है कि कुछ चीजें हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट पे अपना असर डालती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं, और जिसके वजह से ह्यूमन सेटलमेंट अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का होता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं और इन सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने तीन भागों में डिवाइड करके उसको हम देख सकते हैं, उसको हम तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला फैक्टर है उसको हम कहते हैं फिजिकल फैक्टर, उसको आप ज्योग्राफिकल फैक्टर भी कह सकते हैं। तो फिजिकल फैक्टर या ज्योग्राफिकल फैक्टर, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका सोर्स ऑफ वाटर, नेचर ऑफ टेरेन, देन क्लाइमेट। अब सोर्स ऑफ वाटर को लेते हैं, आमतौर पे लोग कहां बसना चाहते हैं, गांव मकान या शहर कहां बनाना चाहते हैं? जहां पर वाटर अवेलेबल हो। तो कोई लेक या कोई नदी के किनारे भी मकान बनाए जाते हैं। तो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आप जानते हैं, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, एंड दैट्स वाई ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट दे आर लोकेटेड, दे आर फाउंड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। तो आपको बहुत नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे आपको ऐसे सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो पहाड़ की ढाल होती है उस पर भी आपको सेटलमेंट्स मिल जाएंगे, खासतौर पे उन भागों में जहां पर जो स्लोप है वो जेंटल है, यानी कि धीमा स्लोप। जिन पहाड़ी भागों में तीखी स्लोप है, बहुत ही खड़ी ढाल है, वहां पर आपको मकान कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो मकान बनाने के लिहाज से ठीक नहीं होते। ठीक वैसे ही डेजर्ट एरिया में भी उन एरिया में आपको मकान मिल जाएंगे जहां थोड़े बहुत वाटर के सोर्सेस अवेलेबल है, जहां ग्राउंड वाटर थोड़ा अवेलेबल है, या कोई बावड़ी या कोई तालाब वहां पर है, तो ये आपको मिल जाएंगे। तो मकानों के ऊपर, ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर
ज्योग्राफिकल फैक्टर का बहुत ही ज्यादा असर होता है, सबसे ज्यादा असर होता है। तो वाटर, नेचर ऑफ टेरेन, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इसका बहुत असर होता है ह्यूमन सेटलमेंट पे। जिन भागों में फॉरेस्ट है वहां पर देखेंगे आप लकड़ी के मकान मिलेंगे, जिन भागों में बैम्बू अवेलेबल है खासतौर पर आसाम में तो देखेंगे मकान के ज्यादातर हिस्से जो है वो बांस के बने हुए, बैम्बू के बने हुए। राजस्थान साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे पत्थरों के इस्तेमाल काफी ज्यादा है मकान में, यानी दीवार पत्थर के, यहाँ तक कि घर के जो दरवाजे के चौखट है वो भी पत्थर के, घर के अंदर जो सेल्फ बनाए जाते हैं सामान रखने के लिए वो भी पत्थर के, मैंने देखा है ऐसा मकान अगर आप जाएंगे राजस्थान में। ठीक वैसे अगर आप जाते हैं आसाम में तो वहां पर ज्यादातर सामान आपको बांस के मिलेंगे, यानी दीवार बांस का, छत बांस का, दरवाजा बांस का, और यहाँ तक कि घर में सजाने की जो चीजें हैं, सजावट के जो सामान है वो भी बांस के बने होते हैं, क्योंकि वहां बांस इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, वहां के क्लाइमेट में बांस काफी उगता है, बैम्बू का काफी ग्रोथ होता है। तो पहला याद रखना है कि ह्यूमन सेटलमेंट पे, खासतौर पर रूरल सेटलमेंट पे, फिजिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल फीचर्स का सबसे ज्यादा असर होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सोशल फैक्टर, जिसके अंदर आ जाएगा आपका कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीफ। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मान्यताएं होती हैं। एक ही धर्म के लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ढंग के रीति रिवाज मानते हैं और उसी हिसाब से अपना घर बनाते हैं, अपने दरवाजे बनाते हैं, दरवाजे की हाइट, चौखट, रसोई घर, रसोई घर किस दिशा में होगा वो, पूजा का स्थान, आंगन, आंगन होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें अलग अलग धर्म में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग समाज में अलग अलग होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सोशल फैक्टर। और तीसरा है सिक्योरिटी फैक्टर, सुरक्षा वाला फैक्टर। इसमें क्या है कि कई बार लोग सुरक्षा, क्योंकि पहले के टाइम में काफी आक्रमण होते थे, चोरी, बदमाशी, डकैती आदि होती थी, तो उससे बचने के लिए भी, जिन भागों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती थी, बचने के लिए लोग एक ही जगह पे मकान बनाते थे, यानी गांव के सभी लोग आसपास मकान बनाते थे, एक दूसरे से सटा हुआ घर बनाते थे, गलियां पतली बनाते थे। तो आप अगर नागालैंड जाएंगे तो वहां एक क्या प्रचलन है, वहां प्रचलन यह है कि वहां के लोग पहाड़ की जो चोटी होती है, जो हिल है उसकी जो चोटी होती है टॉप पर, वहां भी मकान बनाए जाते हैं। आप चाहे तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट, खासतौर पर रूरल सेटलमेंट, सभी जगह एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के होते हैं। क्यों होते हैं? तीन वजह से होते हैं, फिजिकल फैक्टर, वाटर, नेचर ऑफ टेरेन, क्लाइमेट, देन सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या आ गया? कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, बिलीफ, ट्रेडिशन, और लास्ट में आ गया सिक्योरिटी फैक्टर, यानी कि बचाव, डिफेंस, अपने बचाव के लिए भी कई बार वो अपने गांव का बनाने का तरीका, उसका लोकेशन भी ऐसे बनाते थे ताकि वो दुश्मनों से अपने आप को रक्षा कर सके। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण अधिवास के प्रकार, तो हमारा ये टॉपिक है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रामीण अधिवास के चार प्रकार होते हैं। देर आर फोर टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। नंबर वन, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। टू, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। थ्री, हैमलेटेड सेटलमेंट। एंड लास्ट वन इज द डिस्पर्स सेटलमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसको कहेंगे हम क्लस्टर सेटलमेंट। देखिए नाम ही बता रहा है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? गुच्छा। इसको हम न्यूक्लिएटेड या एग्लोमरेटेड सेटलमेंट भी कहते हैं, गुच्छित बस्तियां या अधिवास आप कह सकते हैं। यानी कि जैसे आप अंगूर का गुच्छा देखते हैं जिसमें बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं, ठीक वैसे अगर कोई सेटलमेंट हो, ग्रामीण अधिवास हो, ग्रामीण बस्ती हो, तो उसको हम कहेंगे क्लस्टर्ड सेटलमेंट। पहचान कैसे करेंगे? पहचान हम करेंगे कि यहां पर जो मकान होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, उनके बीच की गलियां बहुत पतली होती है, यानी एक घर से दूसरे घर भी हम छलांग लगाकर जा सकते हैं, इतने मकान पास पास होते हैं। तो सारे मकान जो होते हैं गांव के वो लगभग एक ही जगह पे बनाए जाते हैं और उसके चारों तरफ फार्म लैंड होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं। तो ये पहचान है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मकान यहां वहां नहीं बनाए जाते, मकान जो है वो एक प्लेस पे बनाए जाते हैं, गांव के सभी लोग एक ही प्लेस पे मकान बनाते हैं और उसके चारों तरफ उनके खेती वाले जमीन होते हैं, खेती वाले भाग होते हैं। तो आप कह सकते हैं दैट इन द क्लस्टर सेटलमेंट हाउसेस आर बिल्ट एट सर्टेन प्लेस एंड इट इज सराउंडेड बाय द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये एक पहचान हो गई क्लस्टर सेटलमेंट। खासतौर पे ये जो फर्टाइल लैंड हमारा है,
यूपी और बिहार का जो गंगा का मैदान है जो बहुत ही उपजाऊ है, खेती के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर जमीन का अधिक से अधिक प्रयोग खेती के लिए किया जा सके, और इसीलिए वहां पर आपको क्या मिलेगा, क्लस्टर्ड सेटलमेंट मिलेगा। अगर आप राजस्थान जाएंगे तो वहां पर पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो राजस्थान के जिन भागों में भी पानी अवेलेबल है, जहां पे कोई कुआं खुद गया है और वहां पानी निकल गया है, या कोई बावड़ी या तालाब है, तो उसके आसपास घर मकान बनने लगते हैं और वहां भी आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट दिखाई पड़ेगा। नागालैंड में भी सिक्योरिटी की वजह से, सुरक्षा की वजह से लोग घर एकदम पास पास बनाते हैं और वहां भी आपको क्लस्टर सेटलमेंट देखने को मिलेगा। तो नॉर्दर्न प्लेन, यूपी, बिहार, राजस्थान और नागालैंड में आपको क्लस्टर सेटलमेंट देखने को मिलेगा। इसको एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर जो घर होते हैं वो बहुत ही पास पास बने होते हैं, गलियां पतली होती हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट। जो दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड, इसको हम फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। अब ये भी क्लस्टर्ड जैसा ही है, लेकिन उतना घना नहीं, उतना डेंस नहीं, उतना न्यूक्लिएटेड नहीं है, थोड़ा सा सेग्रीगेशन है, थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड। अब ये कहां मिलेगा, खासतौर पर गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में आपको सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपको मिलेगा। क्या होता है कि जाति के आधार पर, या फिर जो गांव में काफी एक स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, कुछ ऐसे कास्ट है, कुछ ऐसे लोग, वो गांव के सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। उनके मकान देखेंगे कि गांव के लगभग बीच में पाया जाता है, और फिर किनारे की तरफ उन लोगों के मकान पाए जाते हैं जिनका समाज में स्तर थोड़ा सा नीचे है, जो जिनका समाज में स्थिति थोड़ी सी पिछड़ी हुई है, तो उनके मकान पाए जाते हैं। तो इस तरह से गांव में क्या होता है, एक बंटवारा हो जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि पूरा जो गांव है वो एक ही यूनिट है, वो अलग अलग यूनिट नहीं है, गांव एक ही है, लेकिन गांव में ही थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन हो गया, खासतौर पे इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस की वजह से। तो सेमी क्लस्टर्ड का पहचान क्या है कि गांव जो है वो पूरा एक ही यूनिट है, वो भी क्लस्टर्ड के जैसा ही है, उतना घना नहीं है, मकान उतने पास पास नहीं है, और गांव में क्या है कि कास्ट और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से एक फ्रेगमेंटेशन हो गया, एक सेपरेशन हो गया। जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं, रिच पर्सन है, जिनके पास ज्यादा जमीन है, या हायर कास्ट के लोग हैं, वो गांव के नॉर्मली सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए, और जो थोड़े से लोअर कास्ट के हैं, थोड़े से पुअर लोग हैं, वो गांव के किनारे वाले भाग में, पेरिफेरी वाले एरिया में, आउटर एरिया में रहते हैं। और इस तरह के आपको गांव कहां मिलेंगे, इस तरह के गांव मिलेंगे आपको गुजरात और राजस्थान में। जो तीसरा टाइप है उसको हम कहते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। अब यहां बहुत ध्यान देना है, सेमी क्लस्टर्ड आपने क्या देखा कि पूरा जो गांव है वो एक ही यूनिट, लेकिन यहां पर हैमलेटेड में अलग अलग यूनिट्स हैं। गांव का नाम तो एक ही है, बट गांव एक ही जगह पे सारा नहीं है, कुछ घर एक जगह पे, कुछ घर दूसरे जगह पे, कुछ मकान किसी और जगह पर बने, यानी एक गांव कई अलग अलग फिजिकल यूनिट में बटा हुआ है। और ये भी खासतौर पर सोशल और कास्ट सिस्टम के वजह से ही होता है। ऐसे जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन है गांव के, उनको कुछ जगह पे टोला कहा जाता है, कुछ जगहों पे धानी कहा जाता है, कुछ जगहों पे पुरवा कहा जाता है, और कुछ जगहों पे इसको पाड़ा कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में, क्योंकि भाषा अलग अलग है, तो इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। ये स्मॉल स्मॉल जो यूनिट्स है, स्मॉल स्मॉल जो ब्लॉक्स है, गांव पूरा एक ही है, लेकिन पूरा गांव एक ही जगह पे नहीं बसा हुआ है। गांव के कुछ हिस्से यहां बसे हुए, गांव के कुछ मकान यहां बसे हुए, गांव के कुछ लोग यहां बसे हुए, अलग अलग भाग में बसा हुआ है। तो ऐसे भागों को, ऐसे सेटलमेंट को, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र को हम कहते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट। यहां पर ये सब वर्ड आप जरूर एग्जाम में लिखेंगे। ये जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स है, इनको धानी, नांगला, पुरवा, पाड़ा आदि के नाम से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है। और ऐसे मकान आपको खासतौर पे लोअर गंगा प्लेन, यानी कि पश्चिम बंगाल एरिया में आपको ज्यादा मिलेंगे। और आखिर में आपका डिस्पर्स सेटलमेंट, इसको हम आइसोलेटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। अब ऐसे आपके ग्रामीण अधिवास कहां मिलेंगे, ऐसे ग्रामीण अधिवास आपको वहां मिलेंगे जहां पर मकान बनाने के या गांव बसाने की जमीन कम है, पहाड़ी भागों में। माउंटेन का जो स्लोप होता है उस एरिया में, आप जानते हैं कि आबादी तो ऐसे ही कम होती है, और माउंटेन स्लोप पे घर मकान बनाना, गांव बसाना, सड़क बनाना आसान काम नहीं होता। तो पहाड़ के ढाल जहां थोड़ा सा कम होता है, जहां पे ढाल बहुत तीखा नहीं होता है, उन भागों में जिसको जहां सुविधा होता है वहां मकान बना देते हैं। तो एक मकान आपको यहां दिखाई दिया, दूसरा मकान कुछ दूरी पर, तीसरा मकान कुछ और ऊंचाई पर, चौथा मकान कुछ नीचे। तो पहाड़ के स्लोप पर यहां वहां जहां तहां कुछ आपको मकान दिखाई पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ, और दो मकानों के बीच काफी दूरी भी होती है, और इसीलिए इनको हम कहते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। ये क्लस्टर सेटलमेंट के जस्ट अपोजिट आप कह सकते हैं।
क्वार्टर सेटलमेंट में क्या देख रहे हैं आप कि मकान एकदम पास पास है, गांव के सारे मकान एक ही जगह बने हैं, जबकि डिस्पर्स में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सारे मकान एक ही जगह नहीं बने, कुछ मकान नीचे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, पहाड़ के अलग अलग स्लोप पे अलग अलग सुविधा अनुसार जिसको जहां जगह मिल गई है, जहां घर बनाया जा सकता है वहां पे बनाया गया है, और मकान के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, एकदम से पास पास नहीं, और इसीलिए इनको हम डिस्पर्स या आइसोलेटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। तो ये मकान कहाँ मिलेंगे, ये मकान वहां मिलेंगे जहां पे रिसोर्स बेस कम है, खासतौर पे हिली एंड माउंटेनस एरिया में, उत्तराखंड हो गया या हिमाचल हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऐसे पहाड़ी भागों में, पहाड़ी स्लोप पे, माउंटेन स्लोप पे आपको इस तरह के ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थे आपके चार तरह के रूरल सेटलमेंट। तो अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, या आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। आप जानते हैं कि भारत एक प्राचीन देश है और यहां पर कई हजार साल से सभ्यताएं बसी हुई हैं, सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुआ है। आपने इतिहास में या क्लास 10 में कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो ये जो हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन था, ये भी एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ये रूरल सिविलाइजेशन नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि हमारे देश में, भारत में, ईसा से कई सौ साल पहले भी अर्बन प्लेसेस थे, हजारों साल पहले भी, जब यूरोपियंस और अमेरिकन्स को सही से घर बनाना भी शायद नहीं आता होगा, उस समय भी हमारे देश के लोग शहरों में रहते थे। कैसे पता कि वो शहरों में रहते थे, क्योंकि जब उनकी खुदाई हुई है और वहां जो स्ट्रक्चर पाए गए हैं, तो वहां यह देखा गया कि वहां जो सड़कें हैं वो स्ट्रेट बनाई गई हैं, सड़कें जो है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती हैं, जिसे साबित होता है कि उस समय सिटी प्लानिंग थी। वहां पर ग्रेट बाथ मिला है, एक विशाल स्नानागार मिला है, जहां पर जो पब्लिक बाथ होता है उसको वो दिखाता है। तो ऐसे फैसिलिटी कहां पाए जाते हैं, ऐसे फैसिलिटी अर्बन एरियाज में ही पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके भी साक्ष्य मिले, इसके भी एविडेंस मिले हैं कि वहां पर गलियों में लाइटिंग की फैसिलिटी थी, बल्ब या ट्यूबलाइट बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन जो भी उस समय लाइटिंग की व्यवस्था थी, आग जलाने की, उसकी व्यवस्था उस समय वहां पर की गई थी। तो हमारे भारत देश में पिछले कई हजार साल पहले भी अर्बन प्लेसेस थे। तो चलिए इसको अगर हम साइड में कर भी देते, उसको हम किनारे कर भी देते, तो उसके बाद जो भी हमारा जो ये डेवलपमेंट हुआ है, शहरी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है, इसको हम तीन भागों में पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट टाउन्स एंड सिटीज इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री कैटेगरी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ऐतिहासिक विकास के आधार पर भारतीय नगरों को हम तीन भागों में बांटकर उसका स्टडी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एंशियंट टाउन्स, यानी कि प्राचीन नगर, वो नगर जिनका जिक्र वेद, पुराण और उपनिषद में भी मिलता है, वो नगर जो हमारे देश में आज नहीं पिछले 2000 साल से बसे हुए। तो ऐसे नगरों को जो पिछले 2000 साल या उससे भी पहले से बसे हुए हैं, उनको हम कहते हैं एंशियंट टाउन्स। इसमें आपके आ जाएंगे पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नेम पटना है, प्रयाग, जिसका अभी का नाम इलाहाबाद है और फिर से नाम उसका प्रयागराज रख दिया गया है, उसके अंदर आ जाएंगे मदुरई, उसके अंदर आ जाएंगे काशी और वाराणसी। ये सब बहुत ही प्राचीन नगर है और इनका एविडेंस, इनका साक्ष्य, इनका वर्णन वेद, पुराण और उपनिषद में भी मिलता है। इससे पता चलता है कि ये नगर आज नहीं बल्कि पिछले 2000 साल से भारत में अस्तित्व में है। जो दूसरा कैटेगरी है टाउन का, उनको हम कहते हैं मेडिएवल टाउन। मेडिएवल टाउन का मतलब हुआ मध्यकालीन नगर। ये वो नगर है जिनका अस्तित्व, जिनका निर्माण, जिनका बसाव आप कह सकते हैं कि पिछले 700 या 800 सालों के अंदर हुआ। जब भारत में सल्तनत पीरियड चल रहा था या मुगल पीरियड चल रहा था, उस समय कई सारे किंगडम्स थे, उनकी अपनी अलग अलग राजधानियां थी, अलग अलग कैपिटल्स थे। तो वो कैपिटल समय के साथ साथ एक नगर में परिवर्तित हो गए और बड़े बड़े नगरों का उदय हो गया, जिसमें आ गया आगरा, जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, ये शहर को हम कहेंगे मिडिएवल टाउन्स। और जो तीसरा कैटेगरी है उसको हम कहते हैं मॉडर्न टाउन्स। ये वो शहर है जिनका उदय अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि इनका अस्तित्व पिछले 200 सालों के बाद हुआ है, यानी ये सबसे नए बसे हुए नगर है। जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, उस समय पहले फ्रेंच भी थे यहां पर, तो उन लोगों ने भी कई सारे नगर बसाए और उनके टाइम में भी कई सारे नगर अस्तित्व में आए, उन नगरों को हम कहते हैं मॉडर्न टाउन। जैसे उसमें सूरत आया, पौंडिचेरी आया,
गोवा, दमन, ये सब नगर आए। इसके बाद अंग्रेजों ने कई सारे प्रेसिडेंसीज बनाए थे, तो बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, ये सब नगर बसे। साथ ही साथ फिर जब हमारा देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद भी कई तरह के हमने प्लांट सिटी बनाए। चंडीगढ़ बसा, गुरुग्राम आप देख रहे हैं अभी नया एक उभरता हुआ शहर है, गुड़गांव भी कहते हैं उसको, दुर्गापुर हो गया है ना। तो ये सब जो शहर हो गए, ये भुवनेश्वर हो गया, ये सब अभी के मॉडर्न टाउन्स में आ गए, यानी वो शहर जो पिछले 200 सालों के अंदर बसे हैं, जो अंग्रेजों के आने के बाद या फिलहाल आजादी के बाद बसे हुए हैं, इनको हम कहेंगे मॉडर्न टाउन्स। तो पिछली तरह एक बार याद कर लीजिए कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के आधार पर भारतीय नगरों को 3 भागों में हम बांटेंगे। एंशियंट टाउन्स, वो शहर जो 2000 साल पहले से बसे हुए हैं। मिडिएवल टाउन्स, जो पिछले 600, 700 या 800 साल पहले बसे मुगल कालीन समय में। और मॉडर्न टाउन्स, वो नगर, वो शहर जो अंग्रेजों के आने के बाद और आजादी के बाद हमारे देश में बने। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।